है कि सर्वसत्तावादी मिजाज व्यक्ति को भीड़ का हिस्सा बना लेने के लिए व्यापक प्रपंच रचता है। यहां किसी विशेष व्यक्ति का उल्लेख नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कौन प्रपंच रच रहा है। एक काम, और मैंने भी किसी का नाम नहीं किया, आप भी ना ले, मन ही मन जरूर ले, और एक ही नाम हो सकता है। एकांत और निजता को समाज द्रोह मानता है। कुछ ज्ञानी इस स्थिति को ऐसे अनुपम आनंद का विषय मानते हैं कि एकांत की बात सुनकर उनका पेट हंसी से दुखने लगता है। लेकिन सच तो यही है कि 24 घंटे का टीवी, नींद से ठीक पहले तक और नींद से निकलते ही हाथ में चिपका रहने वाला स्मार्टफोन सुनिश्चित करता है आप या तो गुस्से की मीनार में रहें या इन्फोटेनमेंट के जंगल में। अपने अनुभवों पर विवेक संगत विचार का एकांत आपको किसी सूरत न मिले। ऐसी स्थिति पर चिंतित होना, जिनकी पेट दुखाऊ चिंता का विषय बनता है, उन्हें पेट की नहीं अपने दिमाग की फिक्र करनी चाहिए। आपके दिमाग पर ये टिप्पणी मैं नहीं। एक उलट बासी का उदाहरण मैं वो नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ें और आसपास देखें। बैल रबाब नहीं बजा रहे, गधे बढ़िया कॉस्ट्यूम पहनकर नहीं नाच रहे, भैंसे नृत्य निर्देशन का दायित्व तो नहीं निभा रहे, सिंह पान कतरने का काम नहीं कर रहे, और ये सब विचित्र व्यापार, अबूद कथा देखती चुहिया बेचारी क्या बात नहीं है कि आनंद के गीत गाकर दिखाए। तो मित्रों, मैंने कहा और मैं उसे दोहराता हूँ, ये कबीर घटना है और कबीर सजगता का एक नया क्षण है। और पुरुषोत्तम जी और ग्रंथावली के मूल संग्राहक श्याम सुंदर दास के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। अब कम से कम हमारे पास लगभग प्रामाणिक कबीर है। लगभग इसलिए कि कबीर के बारे में कभी कुछ निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। धन्यवाद।